अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी बनाते हैं कीमा के समोसे। इसके लिए हम बॉईल किया हुआ कीमा ले लेंगे। मैं बाद में क्लिप लगा दूंगी कीमा को किस तरह से बॉईल करना है। आधा किलो कीमा है और 3 प्याज ले लेंगे बारीक कटी हुई, 5 से 6 हरी मिर्च, हरा धनिया ले लेंगे खूब सारा, 2 टेबलस्पून ऑयल, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून काली मिरी का पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर ले लेंगे। और ये समोसे की शीट्स आती है मार्केट में, बहुत सारी ब्रांड्स में आती है, स्वीट्स वाली हैं, आपको जो मिल जाए आप वो ले लें। बहुत सारे लोग घर में भी बनाते हैं, लेकिन मेरा छोटा बेबी है इसलिए मैं रेडीमेड ही लेती हूँ। चलिए जी, कीमे को बॉईल कर लेंगे। मैंने आधा किलो जितना मटन लिया है, थोड़ा सा फैट डलवा कर ले लें जिससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा। इसमें 1 प्याज डाल देंगे और 1 से 2 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आपके हिसाब से रखिए, क्योंकि हम बाद में समोसे के मसाले में नमक नहीं डालेंगे, यही नमक काफ़ी हो जाएगा। आधा टीस्पून हल्दी, 1 से 2 टेबल स्पून जितना पानी डालकर मिक्स कर लेंगे और बॉइलिंग के लिए छोड़ देंगे। चलिए जी, गैस का फ्लेम कर लेते हैं ऑन, रख देते हैं एक पैन समोसे के लिए। कीमा बना लेंगे, पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, साथ ही हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। प्याज को अच्छे से स्टर फ्राई कर लेना है, जब तक इसका कलर चेंज हो रहा है उसको अच्छे से स्टर करते रहेंगे। ये देखिए प्याज हो चुकी है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। जो तीखा कम खाते हैं वो कम भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चों को अच्छे से भून लेना है, इससे समोसों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए अच्छे से भून लेंगे दोनों को। अभी हम इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी बॉईल किया हुआ कीमा ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम चिकन समोसे भी बनाएंगे। इस तरह से हम रमज़ान की तैयारी करेंगे तो हमको रमज़ान में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आराम से 1 महीने तक फ्रीज किया जा सकता है, आप क्वांटिटी आपके हिसाब से डबल कर सकते हैं। चलिए जी, हरा धनिया डाल देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। हो चुका है हमारा कीमा, इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और किसी डिश में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रमज़ान में बाहर पता नहीं किस तरह के तेल में समोसे पकोड़े कुछ भी बनते हैं, अब कोशिश किया करें कि घर में ही बनाने की। ये देखिए अब इसको ठंडा होने रख दें। चलिए जी, 2 से 3 टेबलस्पून जितना मैदा ले लेंगे। इसे हम स्लरी तैयार कर लेंगे, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिससे कि हम समोसे को
चिपका सकते हैं या स्टिक कर सकते हैं। चले जी, हम समोसे की पट्टियों को कट कर लेते हैं। इसको हमेशा फ्रीज़र में रखना होता है, और जब भी आपको इस्तेमाल करना है उसे 1-1.5 घंटा पहले आप निकाल कर बाहर रख दें। देखिए, डिफ्रॉस्ट हो चुकी है। इसको घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, ज़िपलॉक बैग्स हैं, मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। इसको समोसे फ्रीज़ करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें फ्रीज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह के एयर टाइट कंटेनर्स में भी समोसे को फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अभी हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह का ट्रायंगुलर शेप ले लेंगे। ये देखिए, अभी इधर स्लरी लगाकर हम इसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे। आप हाथों की मदद से या ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। देखिए, पॉकेट शेप तैयार हो गया है। अब इसमें हम समोसे की फिलिंग भर देंगे। डेढ़ टेबल स्पून जितनी फिलिंग काफ़ी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से इसको शेप देकर अभी हम इधर स्लरी लगा देंगे। अच्छे तरह से स्टिक करना है, वरना तो फ्राइंग के टाइम पर ये खुल सकता है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा ट्रायंगल समोसा तैयार है। आप भी इसी तरह से बनाइए। फिलिंग आप जो चाहे इसमें डाल सकते हैं, बाकी तो प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, वेज नॉन वेज। आलू के समोसे, प्याज के समोसे, आप बहुत तरह की फिलिंग्स बना सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी बनाकर तैयार कर लेंगे। इतनी फिलिंग में 15 से 20 समोसे हमारे आराम से बन जाएंगे। चले जी, अभी हो चुके हैं हमारे समोसे। अभी हम इनको कंटेनर में रख देते हैं। आपको भी इसी तरह से रखना है अगर आप इसको फ्रीज करने वाले हैं, वरना तो आप इसको तुरंत ही फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बटर पेपर या आडी रैप्स, जो यूनि रैप की शीट्स आती हैं, आपको उसको रखते जाना है। जिपलॉक बैग में भी आप बहुत आराम से रख सकते हैं। ये देखिए, इसको बंद करके हम फ्रीज़र में डाल देंगे। चलिए जी, मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ कुछ। चलिए जी, गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं और तेल गर्म होने के लिए डाल देते हैं। तेल आपके हिसाब से लीजिए। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। साइड से अच्छे से पलट पलट कर हम इसको सेक लेंगे।
जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है हम इसको निकाल लेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिए। ये देखिए हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारे गर्मा गर्म से समोसे। आप भी ज़रूर बनाइए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।